एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रकाश इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ मोहित यादव। उत्तराखंड का आज ये तीसरा लेक्चर है। हम लोग अभी तक दो लेक्चर दे चुके हैं। पहला लेक्चर था उत्तराखंड के बेसिक नॉलेज के ऊपर, या बेसिक नॉलेज उत्तराखंड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो एक बेसिक नॉलेज मैप वगैरह था और उत्तराखंड की जो बेसिक जानकारियाँ थी उसके ऊपर था। कल हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, कुछ भौगोलिक परिदृश्य, कुछ सांस्कृतिक परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य को देखा था, राजनीतिक परिदृश्य को देखा था। आज हम इतिहास को टच करते हुए कुछ ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के कुछ ऐतिहासिक व्यक्तित्व है उनके बारे में आज हम लोग आपके बीच ये श्रृंखला लेने की उपस्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनसे डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उनको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उत्तराखंड के ऐतिहासिक व्यक्तित्व में पहला नाम किसका है? पहला नाम है कालू महारा का। कल मैंने बताया था कि जब परसों ही मैंने बताया था जो परसों की क्लास थी पहला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि प्रथम उत्तराखंड के प्रथम जो बता रहे थे तो उसमें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताया था। तो कालू महारा जो है ये उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? 1831 में चंपावत के लोहा घाट में इनका जन्म हुआ था। परीक्षा में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कालू महारा का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो चंपावत में इनका जन्म हुआ था, चंपावत के लोहा घाट में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, तो 1857 की क्रांति में इन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन का स्थापना किया था। क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की थी? परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की? तो किसने की? कालू महारा ने की थी। ठीक है, कब करी? 1857 में करी। ठीक, जन्म कब हुआ था? 1831 में हुआ था। कहाँ पे? चंपावत में। ठीक, अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है जयानंद भारती जी का। तो जयानंद भारती जी ये कौन है? जयानंद भारती जी का जन्म 17 अक्टूबर 1881 में पौड़ी में हुआ था, पौड़ी जिले में 17 अक्टूबर 1881 को जयानंद भारती जी का जन्म हुआ था। ये कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? परीक्षा में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जयानंद भारती किनके शिष्य थे? तो उनके गुरु का नाम था स्वामी श्रद्धानंद। तो ये स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य थे और इन्होंने डोला पालकी प्रथा, जो डोला पालकी होता है ना, पालकी पे बैठ के जाने वाला, डोला उठा लेके जा रहे हैं वैसे कोई, ठीक, इसमें उनको जो प्रथा होती थी उसका इन्होंने विरोध किया था। तो परीक्षा में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ऑप्शन देते, चार ऑप्शन के निम्नलिखित में से किसने डोला पालकी प्रथा का विरोध किया था? तो जयानंद भारती जी ने डोला पालकी प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, यह महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखिएगा। अगला नाम है बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे ये कौन है? तो बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में जान लीजिए कि 15 फरवरी 1882 को इनका जन्म हरिद्वार में हुआ था। बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म 15 फरवरी 1882 को हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था। 1913 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन, मतलब अल्मोड़ा अखबार, इनके द्वारा अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया गया। ठीक है, परीक्षा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अखबार का संपादन बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा किया जाता था, या बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा कौन सा अखबार निकाला जाता था? तो उसका नाम था अल्मोड़ा अखबार। कब निकाला गया? 1913 में। ठीक है, इन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, ये स्टार बना के आप रखिएगा, इन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी कुमाऊं का इतिहास। परीक्षा पूछा जा सकता है कि कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा? कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा है? बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखा है कुमाऊं का इतिहास। इनको एक उपाधि प्राप्त थी, पूर्वांचल केसरी, जैसे पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को प्राप्त थी, वैसे पूर्वांचल केसरी की उपाधि किसे प्राप्त थी? बद्रीदत्त पांडे जी को प्राप्त थी। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी को पूर्वांचल केसरी की उपाधि प्राप्त थी और इन्होंने कुली बेगार, जैसे यहाँ में देखे डोला पालकी प्रथा था ना, उसी तरह कुली बेगार प्रथा होती थी, एक कुली बेगार प्रथा होती थी उत्तराखंड में, उसका इन्होंने विरोध किया था। तो कुली बेगार प्रथा का विरोध किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे जी ने। ठीक है, अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है हमारे बीच में हरि गोविंद पंत। अब हरि गोविंद पंत ये कौन है? हरि गोविंद पंत जी के बारे में जानते हैं, इनका जन्म हुआ था 19 मई 1885 को, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, तो उसी टाइम इनका जन्म हुआ था, उस टाइम नहीं हुआ था, उसके पहले हुआ था। 19 मई 1885 में अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ, हरि गोविंद पंत जी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ। परीक्षा में ये भी पूछा सकते हैं, जैसे पूछता है ना कि अमित खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ, तो आप लिखते हैं पटियाली एटा, उसी तरह इनको भी याद रखिए कि हरि गोविंद पंत जी जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया था, उत्तराखंड के ये पहले व्यक्ति थे और एकमात्र व्यक्ति बताया जाता है, एकमात्र व्यक्ति और पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। ठीक है, 1942 में अल्मोड़ा में इन्हीं 1942 में अल्मोड़ा
अलमोड़ा में इन्हीं के द्वारा जब भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में फैला हुआ था तो अलमोड़ा में इसका नेतृत्व किसने किया था? हर गोविंद पंत जी ने किया था। किसने किया था? हर गोविंद पंत जी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला नाम देखते हैं प्रयागदत्त पंत। इनके बारे में जान लेते हैं, ये कौन है? तो प्रयागदत्त पंत जो है इनका जन्म पिथौरागढ़ में हुआ था और उत्तराखंड राज्य है तो सक्रिय आंदोलन शुरू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। परीक्षा पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य हेतु सक्रिय आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा करी गई, तो आप टिक करेंगे प्रयागदत्त पंत के द्वारा ये शुरू किया गया था। प्रयागदत्त पंत के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, अगला नाम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सुना होगा, हेमावती नंदन कमला जी के द्वारा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनके बारे में जानते हैं, इनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1919 को पौड़ी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पौड़ी में इनका जन्म हुआ था, उत्तराखंड के पौड़ी जिले में इनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1919 को। इनके द्वारा 1979 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, कौन सी पार्टी? लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। अब पार्टियों का नाम जैसे इन्होंने कुछ स्थापना किया तो उसका नाम विशेष याद रखिएगा, परीक्षा पूछ सकता है कि किस मतलब किस पार्टी की स्थापना करी, तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की स्थापना हेमावती नंदन बहुगुणा जी के द्वारा किया गया था। ये 1973 से 1975 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक, 1973 से 1975 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, लोकसभा सांसद रहे हैं 1971, 1977 और 1980। परीक्षा ऐसे ही पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष हेमावती नंदन बहुगुणा जी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, तो उसमें 3 ऑप्शन तो ये रहेगा 1981, 1977, 1980। मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर इन्होंने दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किया था। परीक्षा ये भी पूछा जा सकता है कि दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किसने किसने किया था, मतलब चौधरी चरण सिंह के साथ और कौन थे, कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किया, तो हेमावती नंदन बहुगुणा जी थे, इन्होंने और चौधरी चरण सिंह ने दोनों मिलकर दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किया। ठीक, इन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है इंडिया वाइज हम है। इस पुस्तक की इन्होंने रचना की थी। ठीक है, ये नाम हो गया हेमावती नंदन बहुगुणा जी के बारे में उन्होंने देखा। अगला नाम देखते हैं डॉक्टर भक्ति दर्शन जी, तो डॉक्टर भक्ति दर्शन जी के बारे में जान लेते हैं। ये बहुत बड़े मतलब प्रसिद्ध एक रचनाकार थे, इनके बारे में जानते हैं। तो 12 फरवरी 1912 को इनका जन्म हुआ, 12 फरवरी 1912 वही टाइम है जब राजधानी परिवर्तन हुआ था। ठीक है, तो 12 फरवरी 1912 में इनका जन्म कहाँ पे हुआ? पौड़ी में इनका जन्म हुआ। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, पुस्तकों का नाम याद रखिए, सुमन स्मृति ग्रंथ, राम तीरथ स्मृति ग्रंथ, बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ और कलाविंद स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ अगर जो लास्ट में आएगा तो स्मृति ग्रंथ नाम देखिएगा और उसमें अगर जो आया स्मृति ग्रंथ लिखा हुआ है तो आप एक बार टिक कर सकते हैं कि डॉक्टर भक्ति दर्शन के द्वारा ही लिखा गया होगा। ठीक है, अगला नाम देखते हैं इंद्रमणि बड़ोनी के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। ठीक, इंद्रमणि बड़ोनी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जन्म देखते हैं कि 24 दिसंबर 1925 को टिहरी के ओखड़ी ग्राम में हुआ था, टिहरी के अखोड़ी ग्राम में इनका जन्म हुआ था इंद्रमणि बड़ोनी जी का, और इनको उत्तराखंड का गांधी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में सीधे सीधे ये ऐसे आ भी सकता है कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड का गांधी जो है ये इंद्रमणि बड़ोनी जी को कहा जाता है, और ये उपाधि जो थी उत्तराखंड गांधी ये किसके द्वारा दिया गया था, तो वाशिंगटन पोस्ट, एक पत्रिका आती थी न्यूज पेपर आता था वाशिंगटन पोस्ट, उसके द्वारा यह कहा गया था कि इंद्रमणि बड़ोनी को उत्तराखंड के गांधी है। ठीक है, अगला नाम देखते हैं बिहारी लाल चौधरी जी इतने फेमस क्यों है? आम सीट पर चुनाव जीतने वाले ये पहले हरिजन व्यक्ति थे। आम सीट का मतलब क्या? सामान्य सीट पर चुनाव जीतने वाले ये पहले हरिजन व्यक्ति थे, मतलब पहले एससी थे जिन्होंने सामान्य सीट पर चुनाव जीता था उत्तराखंड के, कौन थे? बिहारी लाल चौधरी जी। अगला नाम देखते हैं श्रीदेव सुमन जी जो है इनका जन्म 1916 में गढ़वाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गढ़वाल में हुआ था, और 1939 में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब?
1939 में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना किसने करी गई, किसने करी थी? तो श्री देव सुमन के द्वारा किया गया। परीक्षण प्रश्न आ सकता है कि टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो 1939 में हुई। किसने स्थापना करी? तो श्री देव सुमन के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। और इनकी एक महत्वपूर्ण उक्ति है, ठीक, जैसे करो मरो का नारा कहते हैं ना कि महात्मा गांधी ने दिया, तो उसी तरह इन्होंने भी एक उक्ति दी थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस टाइम इन्होंने भी एक चीज कहा था, इन्होंने कहा था तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते, तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते हो। ये किसकी उक्ति है? तो श्री देव सुमन के द्वारा ये कहा गया, ठीक है। अगला नाम देखते हैं, बलदेव सिंह आर्य। अब बलदेव सिंह आर्य ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना सब लोग जानते हैं किसने करी थी, तो ये उसी के उपाध्यक्ष थे, ठीक। बलदेव सिंह आर्य जो थे ये हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष रहे थे, ठीक। और ये सर्वाधिक समय तक मंत्री और विधायक भी रहे हैं, सर्वाधिक समय तक मंत्री और विधायक भी रहे हैं। और बलदेव सिंह आर्य उत्तराखंड के ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्वाधिक समय तक मंत्री और विधायक रहे, ठीक है। लास्ट नाम देखते हैं ऐतिहासिक व्यक्तियों में, भवानी सिंह रावत। अब भवानी सिंह रावत ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति ये थे भवानी सिंह रावत, जो चंद्रशेखर आजाद की हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन जो था उसके एकमात्र व्यक्ति जो उत्तराखंड से जुड़े हुए, उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो सिर्फ मतलब जो उत्तराखंड के सिर्फ ऐसे व्यक्ति थे एकमात्र जो चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, ठीक है। ये तो हो गया कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में हमने देखा, जो परीक्षा में सीधे नाम पूछे जाते हैं ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में कि कौन से व्यक्ति किस लिए महत्वपूर्ण है, आपके सामने सीधे पूरा खाका लिखा हुआ है। और जो महत्वपूर्ण थे पूरे सिर्फ उन्हीं को साबित किया गया जहां से पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछ ले पूरी वर्गा प्रथा का विरोध किसने किया, तो मंत्री दत्त पांडे जी ने किया। उसके बाद डोला पाल की प्रथा का विरोध किसने किया, चार ऑप्शन देते हैं, गोविंद पंत देते, प्रयागपंत देते, मंत्री दत्त पांडे देते और जयानंद भारती देते, जयानंद भारती अपनी करेंगे। ऐसे ये सीधे प्रश्न दिए हुए हैं और यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, कोई भी पेपर आप देने जाएंगे चाहे वो एपीओ हो चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, उत्तराखंड पीसीएस की चाहे आरओ की परीक्षा या वीडियो या यूपी पेपर एससी की जितनी परीक्षाएं हैं वहाँ पे तो इस टाइम लगातार तीन चार महीने पेपर ही पेपर है, हर महीने तीन पेपर चार पेपर हो रहे हैं, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है उत्तराखंड, ठीक। हम देखते हैं उत्तराखंड के जो शहर है उन शहरों का कुछ प्राचीन नाम और कुछ उपनाम जो है उसको देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये देखते हैं, ठीक। तो प्राचीन व उपनाम वाले प्रमुख स्थल उत्तराखंड के, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें देखते हैं टिक इन टॉप किसे कहा जाता है, टिक इन टॉप किसे कहा जाता है, तो तपोवन। अभी जो एक बाढ़ आया था ना उत्तराखंड में, तो डैम बह गया था, तो वही तपोवन डैम था उत्तरकाशी में, तो इसी को टिक इन टॉप को तपो मतलब जो तपोवन है उसी को टिक इन टॉप कहा जाता है, ठीक है। तपोवन कहाँ पे है, तो ये उत्तरकाशी में है। भारत का स्विट्जरलैंड, उत्तराखंड भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो भारत का स्विट्जरलैंड कोशाली को कहा जाता है, किसको कोशाली को कहा जाता है, ये बागेश्वर में पड़ता है, ठीक है। जो बागेश्वर जिला है, बागेश्वर जिला कोशाली, उसी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, उत्तराखंड का जो स्विट्जरलैंड है उत्तरकाशी में पड़ता है, हर्षिल, हर्षिल इसका प्राचीन नाम हर्षिला भी था, ठीक, इसका प्राचीन नाम हर्षिला भी था, किसी को उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है। कहां पे पड़ता है हर्षिल, उत्तरकाशी में। अब देखिए भाई आगे लिखा हुआ है कि हर्षिला प्राचीन नाम किसका था, तो हर्षिल का था। परीक्षा पूछ ले कि हर्षिला प्राचीन नाम किस स्थल का था, तो हर्षिल, तो हर्षिल स्थल है, इसी का प्राचीन नाम हर्षिला था, ठीक है। गंगा का मायका, गंगा का मायका किसे कहते हैं, तो मुखवा, उत्तरकाशी में एक स्थल है मुखवा, ठीक है। उत्तरकाशी वही जिला है जहां से गंगोत्री मतलब गंगोत्री ग्लेशियर है और वहीं से गंगा का उद्गम होता है, यमुनोत्री मतलब यमुनोत्री ग्लेशियर भी वहीं पर है पंडरपुर में, वहीं से उत्तरकाशी से ही गंगा और यमुना का उद्गम होता है, ठीक है। तो गंगा का मायका किसे कहा जाता है, मुखवा को कहा जाता है। गोल्डन वैली किसे कहा जाता है, गोल्डन वैली उत्तराखंड की गोल्डन वैली कौन सी है, बागेश्वर, बागेश्वर को उत्तराखंड का गोल्डन वैली कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा है कुम कुमकली और चंपावती, तो कुम कुमकली और चंपावती, चंपावत जिला जो है, चंपावत जिला, ठीक है, चंपावत जिला जो है इसका प्राचीन नाम है कुम कुमकली और चंपावत, इन प्राचीन नामों के नाम से जाना जाता था चंपावत को। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा को देखते हैं, अल्मोड़ा को क्या कहा जाता है, हिमालय का द्वारिका, जैसे हिमालय का द्वारिका कहा जाता है अल्मोड़ा को,
मंदिरों की नगरी कहा जाता है, मीठी मूली का क्षेत्र कहा जाता है और ताम्र नगरी कहा जाता है। परीक्षा पूछ ले कि मीठी मूली का क्षेत्र कौन सा है, तो मीठी मूली का क्षेत्र है अल्मोड़ा। ठीक है, मंदिरों की नगरी अल्मोड़ा, हिमालय का द्वारिका अल्मोड़ा और ताम्र नगरी। जैसे आप यहाँ पे बोल रहे थे ना मुरादाबाद को ताम्र नगरी, उसी तरह यहाँ पे देखें तो ताम्र नगरी कौन सी है, अल्मोड़ा है। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तर भारत का केरल कुपिला देवद्वार मायापुरी और मयूरपुर, कुपिला देवद्वार मायापुरी मयूरपुर और उत्तर भारत का केरल, ये किसे कहा जाता है, ये हरिद्वार को कहा जाता है। हरिद्वार, ठीक, हरिद्वार को कहा जाता है कि जो मायापुरी थी, मायापुरी की स्थापना भीम के पुत्र घटोत्कच के द्वारा करी गई। ठीक, तो मायापुरी कुपिला देवद्वार मयूरपुर और उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है, हरिद्वार को कहा जाता है। मिनी कश्मीर किसको कहा जाता है, मिनी कश्मीर। ठीक, तो मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ को कहा जाता है, पिथौरागढ़ वही जिसकी सीमा चीन बॉर्डर में लगती है, मतलब चीन से जिसकी सीमा लगती है पिथौरागढ़ की, उसी को मिनी कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये उत्तराखंड स्पेशल के लिए भी और इतिहास प्राचीन इतिहास के लिए भी, विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल चौका घाट जो है ये उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, चौका घाट उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक, विश्व का प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल चौका घाट। ठीक, सिखों का मान सरोवर किसको कहते हैं, तो सिखों का मान सरोवर जो है वो कौटिलाय को कहते हैं। कहां पे है ये, टिहरी में है। मूर्तियों का भंडार, मूर्तियों का भंडार लाखा मंडल को कहा जाता है, मूर्ति का भंडार देहरादून में पड़ता है लाखा मंडल, मूर्तियों का भंडार लाखा मंडल। कुछ प्रमुख किले देख लेते हैं, इन किलों से प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया है, तो जो किले हैं चार पांच महत्वपूर्ण जो किले हैं उनको एक साथ लिख दिया है। इसमें देखिए मल्ला महल किला, ये कहाँ पर है, ये अल्मोड़ा में। मैच करने का आ जाता है कभी कभी कि मैच करिए कि मल्ला महल किला कहाँ पे है, राजभुंगा किला कहाँ पे है, ऐसे मैच करने के लिए आ सकता है। तो आप याद रखिए कि मल्ला महल किला कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है और इसकी स्थापना किसने करी थी, कल्याणचंद्र ने करी थी, कल्याणचंद्र ने अल्मोड़ा में इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, खगमरा किला कहाँ पे है, तो खगमरा किला जो है वो अल्मोड़ा में है, भीष्मचंद्र के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। राजभुंगा किला कहाँ पे, ये चंपावत में है। ठीक है, चंपावत, चंपावत वही जिसको चंपावती कहा जाता था, वही चंपावत। ठीक है, और ये अल्मोड़ा जो है, अल्मोड़ा ये ताम्र नगरी, मीठी मूलियों का क्षेत्र, मंदिरों का नगरी, हिमालय का द्वारका। ठीक, तो ये राजभुंगा किला कहाँ पे है, ये चंपावत में, इसकी स्थापना किसने करी थी, सोमचंद्र ने करी थी। ठीक, और देखिए नाम यहाँ पे याद करना आसान हो गया, सब चंद्र वंश वाले ही है, कल्याण चंद्र, भीष्म चंद्र, सोमचंद्र, फिर कल्याण चंद्र। और जो कल्याण चंद्र जो थे वो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, इन्होंने लाल मंडी का किला स्थापित किया था अल्मोड़ा में, लाल मंडी का किला 1563 में स्थापित किया, ये अकबर के समकालीन थे। कौन अकबर के समकालीन थे, परीक्षा में दे दे चार नाम आपको दे दे, कल्याण चंद्र, भीमचंद्र, देवचंद्र या सोमचंद्र, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शासक था उत्तराखंड का जो अकबर के समकालीन था, तो उसमें आप क्या टिक करेंगे, कल्याण चंद्र जो थे ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपके सामने उत्तराखंड में कुछ ऐतिहासिक चीजें भी हुई हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति दिए हुए हैं जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ऐतिहासिक व्यक्तित्व से सवाल आता है, चाहे वो आधुनिक भारत का हो चाहे वो प्राचीन भारत का हो। तो इसमें आधुनिक भारत के जितने भी व्यक्तित्व रहे हैं उनके बारे में दिया गया है, उत्तराखंड के कुछ प्राचीन नाम और उपनाम दिए गए हैं, उत्तराखंड के किले दिए गए हैं। आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए, कुछ फीडबैक है उसको भी दिया करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।